मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्टी बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑप्सटिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट ट्वेंटी इयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के पांचवें सप्ताह में आपके शरीर में क्या बदलाव होता है आपके बेबी में क्या बदलाव होता है बेबी की मेजरमेंट कैसे की जाती है और आपको इस हफ्ते में कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टीज कॉन्ग्रेचुलेशन अब तक तो गुड न्यूज हमें मिल ही गई है जिनके साथ वो डिलेड ओविलेशन हुआ है ओविलेशन थोड़ा लेट हुआ है उनके साथ भी पांचवे सप्ताह के अंतिम चरण में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाने वाली है मैं होप कर रही हूँ आप अपने डॉक्टर से मिल चुके हो और अभी नहीं मिले हो तो आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करवानी चाहिए तो इस हफ्ते में हम देखेंगे कि हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं वैसे भी कई पेशेंट में कुछ भी लक्षण नहीं दिखाई देता लेकिन कई पेशेंट में ब्रेस्ट में पेन आना शुरू हो जाता है थोड़ा सा वीकनेस जैसा फील होना शुरू हो जाता है फटीक जैसा फील हो जाता है हम जल्दी थक जाते हैं कई पेशेंट्स में पेट में डाइजेशन की डिफिकल्टी होना शुरू हो जाता है गैसेस तैयार होना शुरू हो जाते हैं जो प्रेगनेंसी का एक महत्वपूर्ण लक्षण रहता है जी मचलना वॉमिटिंग जैसा फील होना नौशिया जैसा फील होना ये पाँचवें सप्ताह के अंतिम से या छठे सप्ताह के शुरू से शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट पचास प्रतिशत लोगों में जी मचलने की प्रॉब्लम थोड़ा नौशिया की प्रॉब्लम वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी हल्का नहीं आना शुरू हो जाता है और ये सारे बदलाव का कारण रहता है एच नाम का हार्मोन हमारे शरीर में एच का निर्माण हो जाता है और उसके साथ साथ ये एच सी हारमोन की वजह से बहुत सारे बॉडीली चेंजेस होना शुरू हो जाता है जो फूड हमें अच्छा लगता था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जो नहीं लगता था वो खाने का मन करता है इस विषय के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है प्रेगनेंसी के सात महत्वपूर्ण लक्षण तो इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप वो वीडियो जरूर देखना तो अभी हम जान लेंगे हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं हमारा बेबी बहुत ही छोटा रहता है पांचवे हफ्ते में बेबी यूजुअली थ्री मिलीमीटर का रहता है और वो एक छोटे से टेडपोल की तरह दिखाई देता है जो फ्रॉक का बच्चा रहता है उसके जरिका दिखाई देता है ये पांचवें सप्ताह में बेबी के दिल की धड़कन बेबी की हार्ट बीट शुरू हो जाती है बेबी का स्केलेटन जो बोनी स्टेज स्ट्रक्चर रहता है वो तैयार हो जाता है बेबी का हार्ट तैयार हो जाता है बेबी के आईज ईयर्स तैयार होना शुरू हो जाता है बेबी की आंखें बेबी के कान तैयार होना शुरू हो जाता है पांचवें हफ्ते की बेबी जब हम मेजर करते हैं उसका लेंथ गिनना शुरू करते हैं, तो उसको हम सी आर एल बोलते हैं क्राउन रंप लेंथ लेट इज बेबी के हेड का जो क्राउन रहता है वहीं से हम मेजरमेंट लेना शुरू करते हैं वो रियर एंड के बॉटम तक हाँ उसको रम क्राउंड रम्प लेंथ बोलते सी आर एल तो हम बहुत बार सोनोग्राफी में पढ़ते हैं कि हम बेबी का मेजरमेंट सी आर एल में मेजर किया जाता है तो ये हमें प्रश्न पड़ता है ये सी आर एल क्या होती है तो ये सी आर एल क्राउन रंप लेंथ ये सी आर एल की मेजरमेंट हम बीसवे हफ्ते तक लेते हैं अभी हमें देखना है कि ये पांचवे हफ्ते में हमें प्रेगनेंसी का कैसे ख्याल रखना है ये पांचवे हफ्ते में हमें डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जरूर लेनी चाहिए ये पांचवे हफ्ते तक हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो आपको जरूर अपॉइंटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर आपको सोनोग्राफी की सलाह देंगे इस सोनोग्राफी से पता चलेगा कि बेबी एक है या दो बेबी यूट्रस में है या बेबी का लोकेशन और कहीं है गर्भ नलिका में है उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं वो सिर्फ ब्लड टेस्ट से और यूरिन के टेस्ट से समझ में नहीं आता उसके लिए हमें सोनोग्राफी ही करनी करना जरूरी होता है आपने अब तक ब्लड टेस्ट नहीं किए रहेंगे तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे उसमें रूटीन ब्लड टेस्ट रहेंगे थायराइड की मात्रा जांच होगी मल्टी विटामिन जो बी ट्वेल्व डी थ्री रहेगा उसमें कुछ कमी है क्या वो देखा जाएगा अपना थैलेसीमिया का स्टेटस देखा जाएगा डॉक्टर प्री विटामिन शुरू करेंगे आपकी कुछ स्पेसिफिक मेडिकल हिस्ट्री रहेगी तो वो आपको डॉक्टर को जरूर बताना है अपने पहले वाली दवाई सारी डॉक्टर्स को बताना है आपके और आपके हस्बैंड के फैमिली में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट रहेंगे तो वो भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है आपकी उम्र ज़्यादा रहेगी आपका पहला बेबी कुछ जेनेटिक डिफेक्ट से डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड रहेगा नहीं तो आपके फैमिली में कुछ जेनेटिक डिसीज़ की हिस्ट्री रहेगी तो आप डॉक्टर से जरूर याद करना तो डॉक्टर नवे हफ्ते के बाद आपको एन नाम की एक टेस्ट की सलाह देंगी इसको हम बोलते हैं कि नॉन नौ, इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग इससे पता चलता है कि हमारे होने वाले बेबी में जेनेटिक डिफेक्ट या क्रोमोजोबल अबनॉर्मलिटी रहने के चांसेस है क्या हमारी प्रेगनेंसी एक बार कन्फर्म हो जाती है तो हम हमारे वजन से लेके बहुत ही चिंतित रहते हैं हमारा ये मानना रहता है कि जैसे हमारा वेट गेन बढ़ता है वैसे ही बेबी का वेट गेन बढ़ता जाएगा कभी कभी प्रेगनेंसी में बहुत सारी वॉमिटिंग नोशियाँ खाने का मन नहीं करता है जी मचलता है एसिडिटी होती है इसकी वजह से हमें खाना खाना मुश्किल हो जाता है और अपना वज़न जो रहता है तो पहले तीन महीने में बढ़ने की बजाय कम हो जाता है लेकिन इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है ये एक्सपेक्टेड रहता है पहले तीन महीने में वज़न का कम हो जाना ये एक्सेप्टेबल रहता है लेकिन आप बेबी की ग्रोथ के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं रहना आप जो कुछ खाते हैं, वो सीधा बेबी की तरफ नहीं जाता और उससे बेबी की ग्रोथ नहीं होती अपने बेबी की ग्रोथ अपने शरीर में जो खून दौड़ रहा है उस पे हो जाती है अपना खून बेबी की तरफ जाता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो बेबी को मिलते हैं और बेबी की ग्रोथ हो जाती है तो पहले तीन महीने में हमारा वेट हमारा वज़न कम हुआ तो भी बेबी का वेट और बेबी की ग्रोथ सही होती है अच्छी होती है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना तो हम देखेंगे प्रेगनेंसी में हमारा कितना वेट गेन होना चाहिए कितना वज़न बढ़ना चाहिए जब हम अंडरवेट होते हो जब हमारा बी 19 से नीचे रहता है तो हमारा वेट गेन 15 टू 16 केजीज तक होना चाहिए जब हम नॉर्मल वेट रहते हैं हमारा बी एम आई टू ट्वेंटी तक रहता है तो हमारा वेट गेन 11 से 15 किलो तक होना चाहिए लेकिन जब हम ओवरवेट रहते हैं हमारा बी थर्टी के अबाव रहता है तो हमारा वेट गेन 6 से 7 किलो से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसे वजन ज्यादा बढ़ता है वैसे प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन की रिस्क बहुत ही बढ़ जाती है हम प्रेग्नेंट हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दोनों के लिए खाना है पहले पाँच महीनों तक हमें एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती और पांचवें महीने के बाद प्रतिदिन सिर्फ 300 कैलोरीज आपने ज़्यादा ले लिया तो भी वो काफी रहता है तो कैलोरीज के बजाय हमें हमारे प्री नेटल विटामिन्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिए है उस पर ध्यान देना है अभी हम देखेंगे हमारे वुड बी फादर्स के लिए हमें क्या सलाह देनी है प्रेगनेंसी तो लास्ट वीक ही कंफर्म हो गई है जो इनिशियल एक्साइटमेंट रहता है वो तो आप दोनों ने बहुत एंजॉय किया है लेकिन अभी जो प्रेगनेंसी की हार्मोन की वजह से जो एस सी जी हारमोन रहता है इस्ट्रोजेंद रहता है उसकी वजह से हमारे वुड बी मॉम को कुछ तकलीफ़ें होना शुरू हो जाता है जी चलता है बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाता है एक इरिटेबिलिटी बढ़ती है और ये तकलीफ़ के कारण उसको मन ही मन में लगने लगता है वाई मी मुझे ही क्यों ऐसे सब हो रहा है तो इरिटेट हो जाती है थोड़ी इरिटेबिलिटी बढ़ती है तो उसको शांत रखना है आप दोनों वर्किंग रहेंगे तो आप घर में आने के बाद उनके काम में हाथ बटाना है आप कभी-कभी देर रात तक ऑफिस में ऑफिस की पार्टीज में एंगेज रहते रहोगे तो आपको ये कम करना है आपको जल्दी घर आना है उसके तबीयत के बारे में पूछना है उसको सामने बैठ के कुछ खिलाना है और उसको डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना है तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि पाँचवें सप्ताह में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं हमें कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए हमारा वेट गेन कितना चाहिए हम बेबी का मेजरमेंट भी कैसा करते हैं और इस सब्जेक्ट में आपको कोई प्रश्न रहेगा शंकाएँ रहेगी तो आप हमें जरूर ईमेल कर दीजिए और हमारी ये सीरीज प्रेगनेंसी वीक बाय वीक जरूर देखते रहिए धन्यवाद